तो दोस्तों रॉ रिव्यू में आज आप ही की डिमांड पे आपकी कई सारी क्वारीज आ रही थी सेमी ऑटोमेटिक मशीन की, तो इसलिए आज हम रिव्यू करने वाले हैं सेमी ऑटोमेटिक मशीन। बात करेंगे एलजी के वॉशिंग मशीन की, साथ ही इसके कॉम्पिटिटर व्हर्लपूल की। ये दो वॉशिंग मशीन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, और इस वीडियो में हम बात करेंगे इसमें क्या कुछ खास है, इसकी प्राइसिंग क्या है, साथ ही इसकी वारंटी क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो एलजी की वॉशिंग मशीन है वो 7 kg में है, जबकि इसका कॉम्पिटिटर व्हर्लपूल वो 7.2 kg की कैपेसिटी है उसकी। अब हम बात करेंगे एलजी के मोटर की। जी हाँ, जो इसकी वॉशिंग मोटर है वो 360 वॉट की है। जी हाँ, 360 वॉट, जबकि इसकी स्पिन वाली जो मोटर है, स्पिन जिसमें कपड़ा ड्राई करते हैं, उसकी जो कैपेसिटी है वो 260 वॉट है। हाँ जी, अब बात करेंगे व्हर्लपूल की। व्हर्लपूल की जो वॉशिंग कैपेसिटी है वो 340 वॉट है, जबकि इसकी स्पिन वॉट जो है मोटर है वो आपको 150 वॉट में मिलेगी। तो दोस्तों बात करें एलजी में जो 7 kg का आपका कैपेसिटी है वॉशिंग कैपेसिटी, और व्हर्लपूल में 7.2 kg है कैपेसिटी वॉशिंग कैपेसिटी, लेकिन हम लोग कभी भी स्पिनर की बात नहीं करते हैं, स्पिनर की कैपेसिटी कितनी है। तो जी हाँ, हम आपको बता देते हैं जो एलजी का जो स्पिनर की कैपेसिटी है वो 5.5 kg है। जी हाँ, 5.5 kg, जबकि व्हर्लपूल है वो भी सेम कैटेगरी में आता है, वो भी 5.5 kg कैरी करता है। तो चलिए पास चलते हैं वॉशिंग मशीन के पास एक एक करके, और जानने की कोशिश करते हैं इसमें क्या कुछ खास फीचर हैं जो कि इन्हें एक दूसरे से अलग बनाता है। तो जैसा कि इसमें सेमी ऑटोमेटिक में कुछ बताने के लिए कुछ होता नहीं, लेकिन तभी मैं आपको बता दूं, उसमें पानी डालिए, इसमें पानी आएगा। बाकी अपना वॉश सेलेक्ट कर लीजिए, अगर ड्रायर आपको उसमें डालना है, वॉशिंग में डालना है तो इधर मूव कर दीजिए, और आपको अगर ड्रायर में डालना है तो उसको इस तरफ मूव कर दीजिए, जो कि एक नॉर्मल फीचर है। साथ ही आपको बता दूं, कपड़ा धोने के लिए आपके पास टाइमर है 15 मिनट का, डिपेंड करता है आपके पास कैसे कपड़े हैं, हैवी है लाइट है, उसके हिसाब से आप टाइमर सेट कर लीजिए। अगर लाइट है तो 6-7 पे कर दीजिए, और अगर हैवी है तो आप 15 पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि अच्छी तरह से आपके कपड़े धुल जाए। आगे ऑप्शन में चलेंगे तो उसमें 3 ऑप्शन दे रखा है वॉश सेलेक्टर में, जेंटल, नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग। इसमें क्या होता है कि आप देख लीजिए आपके कपड़े हैवी हैं, लाइट कैटेगरी में आ रहे हैं, जैसे बेबी के कपड़े हैं छोटे, लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, तो आप जेंटल में धो सकते हैं, और अगर नॉर्मल कपड़े हैं, कॉटन के कपड़े हैं, तो आप नॉर्मल मोड में धो सकते हैं। जैसे अगर हैवी कपड़े हैं, थोड़े से वूलन कपड़े हैं, तो आप स्ट्रॉन्ग मोड पे भी जाके आप वॉश कर सकते हैं। कपड़े आपके धुल जाते हैं, धुलने के बाद अब पानी भी निकालना जरूरी है। पानी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप ड्रेन मोड पे कर देंगे और सारा पानी आउट। साथ ही ये आपका मोड है स्पिन टाइमर। स्पिन टाइमर किस लिए होता है, स्पिन टाइमर आपके जैसे कपड़े ड्राई करने हैं, आपको सुखाने हैं धुलने के बाद, आप डाल दीजिए इसमें, उसके बाद अपना मोड चुन लीजिए, जिस तरह से आपके कपड़े हैं, जिस क्वालिटी के कैटेगरी के हैवी हैं, लाइट हैं, उस हिसाब से आप मोड स्विच कर सकते हैं। आप अपना मोड स्विच करिए, उस हिसाब से आपके कपड़े ड्राई हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। तो दोस्तों अभी तो हमने इसके नॉब्स की बात करी, क्या कुछ इसमें खास है, और आप देख रहे होंगे यहाँ पे रोलर जेट काय लिखा है कंपनी ने, अब हम आपको उसके बारे में बताते हैं। इसके लिए मुझे अपना कैमरा थोड़ा सा क्लोज करना पड़ेगा और वॉशिंग मोड में आपको लेके आना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वॉशिंग का देख रहे होंगे क्या सिस्टम बना रखा है इन्होंने, और जिसके हम रोलर जेट की बात कर रहे थे, अब आपको रोलर जेट दिखाते हैं। ये रोलर जेट ये है, रोलर जेट का यूजुअली यूज ये इसलिए होता है कि ताकि कपड़ों में फ्रिक्शन बना रहे और कपड़ा आपकी अच्छी तरह से रगड़ के धुले। अब बात करेंगे, आप ये देख रहे होंगे ये किस लिए है, ये यूजुअली पावर पंच है। पावर पंच का इस्तेमाल ये लोग इसलिए करते हैं ताकि कपड़े को अच्छी तरह से थपकी मिल सके और अच्छी तरह से उसमें से जितना भी उसमें डस्ट हो सब निकल जाए, जितना भी स्टेन हो अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। अब चलते हैं स्पिनर की तरफ। तो चलिए इसके स्पिनर की तरफ मूव करते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे विंड जेट ड्राई लिखा हुआ है कंपनी ने। अब विंड जेट ड्राई क्या है, विंड जेट ड्राई का मतलब जो होता है, यहाँ पे साइड में इन्होंने होल्स रखे हैं कंपनी ने, जो कि एयर खींचते हैं, सक्शन करते हैं और वो एयर अंदर ले आते हैं। और मैं आपको एक बार दिखा दूँ, कैमरा हल्का सा मूव करके देखिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये होल्स दे रखे हैं इन्होंने, जिससे एयर अंदर जाएगी आपके मशीन में, यहाँ से इसके थ्रू, यहाँ पे भी आपको होल्स दे रखे हैं और इसके थ्रू अंदर जाएगी और आपके कपड़े को बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राई करेगी। विंड जेट ड्राई का काम यही है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे व्हर्लपूल के सेमी ऑटोमेटिक मशीन की, जो कि 7.2 kg कैटेगरी में आता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये नॉर्मल है, वाटर इंटेक होगा, उसके बाद आप सिलेक्ट कर लीजिए स्पिनर में डालना है, वॉशिंग में डालना है, यहाँ से आप नॉब से सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें जो वॉशिंग के लिए ऑप्शन दे रखा है, डेलिकेट, नॉर्मल, हैवी, जो भी आप अपना कपड़ा आप वॉश कर रहे हैं
उस कैटेगरी में आप डाल लीजिए, नॉर्मल है तो नॉर्मल में, हैवी है तो हैवी, डेलिकेट है तो डेलिकेट में आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अगला ऑप्शन जाए, आपको अगर दिख रहा होगा कि इसमें जो ऑप्शन है पहले से 5 से 15 मिनट, पहले 5 से 15 मिनट ये नॉर्मल वॉश करेगा। जी हाँ, ये नॉर्मल वॉश करेगा। इसके बाद यहाँ से आप देख रहे होंगे 0 to 25 का इन्होंने अलग से ऑप्शन दे रखा है, जिसे कहते हैं ये लोग सोक टाइम। सोक टाइम मीन्स कि जब आप इसमें कपड़े वॉश करेंगे तो ये डबल डायमेंशन में घूमेंगे, मतलब दाएं और बाएं करके रोटेट करेगा। मीन्स कि एक जो रोटेशन होगा वो ये जाएगा और दूसरा रोटेशन होगा वो रिवर्स जाएगा, जिससे कि आपके कपड़े और भी अच्छी तरह से धुलेंगे और क्लीन होंगे। साथ ही इसमें वॉश और ड्रेन का ऑप्शन दे रखा है, आपको ड्रेन करना तो ड्रेन में आप कर दीजिए, सारे पानी जो होगा इसका, जो भी कपड़ा आपका वॉश होगा सारा गंदा पानी बाहर हो जाएगा। साथ ही ये स्पिनर के लिए दे रखा है, ड्रायर, ड्रायर कैसे यूज़ करना है, आपको कितने मिनट यूज़ करना है, वो कपड़े पर डिपेंड करता है आपके कपड़ा कैसा है, तो उसमें भी ऑप्शन दे रखा है। तो बात करेंगे इसके वॉशिंग सेगमेंट की, वो आपको दिखाते हैं वो उसमें क्या कुछ खास है। तो देख सकते हैं इसकी वॉशिंग क्या, बड़ी अच्छी सी शाइनी टाइप बना के दी है, बड़ी फंकी सी लग रही है। फिलहाल मैं इसके अंदर दिखाता हूँ आपको क्या कुछ है। तो देख सकते हैं इसके अंदर क्या सिमेट्री है इन्होंने बैठा रखी है, और मैं थोड़ा क्लोज और कैमरा करता हूँ, ये देख। तो देखिए मैं अंदर से आपको दिखा रहा हूँ उसमें कैसा कुछ खास बना रखा है इन्होंने कंपनी ने, ये देख सकते हैं आप। इसमें नॉर्मल अपना यूज़ कर रखा है इन्होंने, और साथ ही इसमें एक खास चीज़ दी है वो आपको मैं दिखा दूँ, ये साथ में ये ब्रशिंग दे रखी है, फ्रिक्शन होगा इससे आपका और कपड़े अच्छी तरह से रगड़ खाएंगे और जो भी स्टेन होगा उसे रिमूव हो जाएगा। और ये जो ब्रिसल्स दे रखे हैं इन्होंने ये बड़े ही सॉफ्ट है, मतलब इससे आपके कपड़ों को कोई हार्म नहीं होगा। और ऐसे ही इन्होंने दो दे रखे हैं, एक ये और एक ये नहीं। साथ ही इसमें फ़िल्टर दे रखा है, जो नॉर्मल हर वॉशिंग मशीन में फ़िल्टर आता है, तो उसमें ऐसा कुछ है नहीं इतना खास, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा अलग दिखाई दिया कि इन्होंने ब्रिसल का यूज़ किया है जो कि फ्रिक्शन में अच्छा स्ट्रेन निकालेगा, सारा रिमूव करेगा। हम बढ़ते हैं इसके ड्रायर की तरफ, ड्रायर में क्या कुछ है। तो बात करते हैं इसके मॉडल की, एस सुप्रीम प्लस जो ये लोगों ने नाम यूज़ किया वो किस लिए यूज़ किया है। एस में क्या है कि इसमें एयर अंदर जाएगा, इसको मैं ओपन करता हूँ, फिर यहाँ से आपके सक्शन पॉइंट सक करेगा और वो अंदर जाएगा आपके स्पिनर में, स्पिनर चैम्बर में जाके आपके कपड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई करेगा, जो नॉर्मल आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन यूज़ करते थे उसके कंपेयर में ज़्यादा ड्राई करेगा। तो जिसकी हम बात कर रहे थे, दोनों वॉशिंग मशीन एक दूसरे को अलग कैसे बनाती है वो हम आपको बता देते हैं। LG में एक खास चीज का यूज किया गया है, रेड अवे टेक्नोलॉजी का। जी हाँ, पहला वॉशिंग मशीन है जिन्होंने रेड अवे टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। अब आप पूछेंगे रेड अवे है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। रेड अवे एक्चुअली क्या है कि बेस में इन्होंने 3mm का, जी हाँ 3mm का प्लास्टिक कवर यूज किया है जो कि केमिकल बेस्ड है, जिसकी वजह से अगर कोई चूहा पहली बात तो आसपास भटकेगा नहीं और ना ही आपके वायर को, जो इंटरनल वायर है उसको नुकसान पहुंचाएगा। ये एक सबसे खास बात है LG में जो कि इसको अलग बनाती है। तो बात करें इसके प्राइसिंग की, LG की बात करें, LG आपको मार्केट में 11,000 के अराउंड अप्रॉक्स कॉस्ट करेगा और वर्लपूल आपको 10,000 के अराउंड अप्रॉक्स कॉस्ट करेगा। वो आपके जगह टू जगह वेरी करेगा कि आप किस एरिया किस लोकेलिटी में रहते हैं। और बात करें वारंटी की, वारंटी दोनों में सेम दे रखी है। ओवर मतलब मोटर की बात करें, मोटर पे इन्होंने कंपनी ने 5 साल की वारंटी दे रखी है, जबकि इसमें इंक्लूडेड 2 साल ओवरऑल प्रोडक्ट पे वारंटी जो कि दोनों में ही सेम है। तो दोस्तों रॉ रिव्यू में फिलहाल इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल जवाब कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके सवाल कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। हमें अच्छा लगता है आपके सवालों का जवाब देने में। साथ ही हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें प्लीज़, ताकि हम तभी ऐसी वीडियो आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा लेके आएंगे। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए या करवाना है तो आप हमें बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको फुलफिल करने की। थैंक यू दोस्तों फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए।